अरे चलो चलते, अरे धक्का मत मारो, चलो अरे देख कौन है कुत्ती। हाँ भाई अंकल आंटी, और कोई काम ना है, सवेरे सवेरे जो है रेडी मेकअप जो है घूंघट लेके थाने में आ गए, कौन हो रहा है? देखे मैडम, हमारा नाम है मुकुंद मिश्रा और ये है हमारी धर्मपत्नी शर्मिली। रंगीली नाम है हमारा, शर्मिली कौन है जी? मम्मी जी, ये अपनी बीवी के साथ ना। ओ भाई क्या कर रहे थे अपनी बीवी के साथ? अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की। अरे भोली है ना, भोली के साथ साथ गोली भी है हमारे पास, बोल तो खिला दूं सवेरे सवेरे। तू बोल, पैंट ऊंची कर रहा जब से। मम्मी जी ये अपनी बीवी के साथ ना शॉपिंग कर रहा था और ना जी वहाँ ना। मैडम ये थोपी भी करता है टाइम वेस्ट। अरे बीवी के साथ शॉपिंग करने पे क्यों किया तुमने इसे? अरे ओके बाय। ओ पूरी गल तो सुन लो, एमी रोला पा रखा है। मम्मी जी इसने शॉपिंग करके ना उस दुकान वाले को ना नकली नोट दे दिए, उसने इसको पकड़ के मेरे हवाले कर दिया। मम्मी जी ये जरूर नकली नोटों का धंधा करता है जी। मुकुंद मिश्रा। नहीं मैडम। इब जरा खुल के बोल ले के हो रहा है माजरा नकली नोट का, इससे पहले मैं तेने ऐसा खोल दूं कोई दर्जी सीना सके दोबारा से। देखिए मैडम, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर जो है ना ये शर्मिली का है। रंगीली नाम है हमारा, शर्मिली कौन है जी? अरे चुप बैठो, चुप बैठो। तुम्हारी वजह से और तुम्हारे मायके वालों की वजह से हमेशा हमारी बेइज्जती होती है। देखे मैडम अब क्या हुआ कि कल है ना इनके भाई साहब मतलब कि हमारे साले साहब के बेटे मतलब कि इनके और मेरे भतीजे पुतन की शादी थी। देखे हमने मैडम शर्मिली से कहा कि इस बार हम शादी में तभी आएंगे जब हमें 11,000 रुपए शगुन में मिलेंगे। तो फिर क्या हुआ, 11,000 मिले रुपये? 11,000 रुपये मिले हमें, उसी में से कुछ नोट निकाल के हम लोग शॉपिंग के लिए चले गए और वहां पे दुकानदार ने मुझे इस हवलदार के पास पकड़वा दिया। अब आप ही बताइए मैडम, हमारी ससुराल की वजह से मुझे ये सरकारी ससुराल का मेहमान बनने की नौबत आ गई है। मतलब थारा यो कहना हो रहा है कि जो दूल्हा है उसने तेने नकली नोट दिए? हाँ। दूल्हा ने बुलवा। अरे मैडम अभी कैसे, मतलब अभी तो वो सो रहा होगा ना, कल नई नई शादी हुई है तो बेचारा। छोड़ो ना आप फुलवा। ज्यादा जो है ना कतई नींद में इचकोले खाने की तो जरूरत है ना, वरना ऐसा डंडा घुसा दूंगी मुंह में, जिंदगी भर नींद ना आएगी तेने। मैडम ये मुकुंद फूफा ने जो कुछ भी कहा है सरासर झूठ कहा है मैडम। अरे ये तो है ही एक नंबर के झुट्टल झुटावल। साले ऐसा है यो थारा फूफा के कह रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू हिम तो इसने तो जो है थारे से ही लिए वो पैसे, वो नकली नोट तैने ही से दिए हैं अपने शादी के वो सगुन वगुन के चक्कर में। मैडम ये सच है कि वो नोट हमने ही नहीं दिए थे मैडम, पर हमें क्या पता कि वो नकली है कि असली है। मैडम कसम नई नई शादी की, अगर वो नोट नकली है ना तो इसमें सबसे ज्यादा टेंशन की बात तो हमें है मैडम, क्योंकि हमने वो नोट उन्हीं पैसों में से दिए थे जो लड़की वालों ने दहेज में हमें दिए थे कसम नई नई शादी की मैडम। ओहो भाई, तो ये और एक कारनामा कर रखा है तैने, दहेज भी ले रखा। हाँ भाई ओ गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी, इसने सबके सामने कबूल किया जी, इसने दहेज लिया जी, इस पे केस बनेगा, मुकदमा चलेगा, सजा तो मिलेगी मिलेगी। मैडम आप ही कुछ कीजिए ना मैडम, कसम हमारी नई नई शादी की मैडम, हमारी वो नई नई दुल्हन हमारे बारे में क्या सोचेगी मैडम, कुछ भी नहीं। आप देखो अब जरा बचना चाहते हो तो कुछ दान दक्षिणा दे दो। मतलब ऐसा है, वो जो तेने दहेज में ले रखे ना इतने घने सारे पैसे, उसमें से 1,00,000 ढीले करके गुलगुले दे दे, फिर हम देख लेंगे केस का क्या करना है। पर मैडम आपके हिसाब से वो नोट तो नकली है ना? या तो तू घना इसमें जो है अपनी प्रॉब्लम बना रही हो, हमारी प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा हेल्पफुल नेचर जो है एक्सटेंड करने की जरूरत ना है, हम देख लेंगे उसका क्या करना है हमें। ओके बालको जाके जाना लड़की वालों ने धर के लाओ, हम भी देखे कौन हो रहे ऐसे कतई कोऑपरेटिव क्रिमिनल माइंड के जो है बांट रहे हैं एकदम दान भी हो रहे। बोलो अरे बस करो अब मेरे हाथ दुख रहे। तुम भी ये पापा एक
एक्चुअली वो आई वॉज जस्ट चेकिंग द क्वालिटी ऑफ वुड. गुड वुड, टेक वुड, कैन कैरी मी. कैसे आना हुआ? सर कमिश्नर साहब का फोन आया था, उनके आर्डर रहे हैं कि उनकी साली की शादी हो रही है, तो सर जो है पूरा पुलिस बंदोबस्त ना वहीं लगा दें, उनका कहने का यही मतलब हो रहा है. क्यों क्यों लगा दे भाई? चंद्रमुखी जी, आखिर कब तक हम दूसरों की शादी ब्याहों में पुलिस बंदोबस्त लगाएंगे? अजी पुलिस बंदोबस्त हम लगाएंगे अपनी शादी में. हाय मतलब आपकी शादी कहीं पे, मेरी शादी वहीं कहीं पे, फिर करेंगे पुलिस बंदोबस्त. कैसी रही? सर आपका तो मन ने बेरा कोई ना है, पर जहां तक हमारी बात आ रही है सर, मैं तो जो है ना किसी से इंप्रेस ही ना हुई आजकल. नहीं हुई मतलब किसी ने आपको इंप्रेस किया नहीं आज तक? नहीं मतलब आज तक की ऐसी कोई बात ना है ना. हरियाणा में हुआ करता था एक पड़ोसी राजू चौधरी, तो सर राजू जो है ना कमाल की हरकतें करा करता था ना, जो है उल्टी साइकिल चला ले, कभी जो है नारियल के पेड़ पे जो है पैदल सही चढ़ जावे, और ऐसी सर्कस नुमा हरकतों से जो है मन ने घना इंप्रेस करता था सर जी वो. पर आजकल सिटी लाइफ में जो है ना कोई ऐसा इंटरेस्टिंग ना दिखे. एनीवे सर आप जो है कमिश्नर साहब के आर्डर फॉलो करो, मैं वो नकली नोट का एक केस आया उसे जरा निपटा रही हूँ. ओके. अरे इसीलिए हम पहले कह रहे थे साले को कि लोगों के यहाँ फुलवा का रास्ता तय मत करो साले को, लेकिन हमारी सुनता कौन है साले को? अरे तब तो उछल उछल के कूद कूद के सबको बता रहे थे कि फुलवा का रास्ता बहुत बढ़िया जगह तय हो गया साले को. अब देखा शादी को एक दिन नहीं हुआ और ये लोग हमें पुलिस थाने में घसीट लाए साले को. अरे तुम चुप रहो गुड्डू. हाँ नहीं तो फॉरवर्ड मार्च. हाँ तो भाई खड़े बाल के गुड्डू और हिलते हुए डैडी, भाई इस पुत्तन का तो यो कहना हो रहा है कि इसने जो पैसे अपने फूफा ने दिए हैं यो तो वो पैसे हो रहे हैं जो तुमने इसे दहेज में दिए हैं, और पैसे हो रहे हैं नकली. तो ये भी यो कष्ट करो और मन्ने बताओ कि यो नकली नोट ना कहां से आए तुम्हारे पास? अरे मैडम हमारे पास कहां से आएंगे, हम तो मामूली आदमी हैं, मूली की खेती करते हैं. नहीं तो ना तू मूली की खेती कर ले या भेंडी की, ना उससे हमें लेना देना ना हो रहा है कोई. जो पूछा जाए वैसा बता दे, नकली नोट कहां से आए तुम्हारे पास? अरे हम बताते हैं साले को. अरे क्या है कि हमने अपनी बहन फुलवा की दुनिया जो है वो अपना खेत बेच के बसाई है साले को, और उसके बदले में जो हमें नोट मिले वो हमने इन्हें दहेज में दे दिए साले को. वेट वेट वेट, तुमने किसे बेचा खेत? जुम्मन जमीन वाले को. हाँ नहीं तो ना तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस, धर के लाओ उस जुम्मन जमीन वाले ने. तो भाई थारा जो है जमीन बेचने खरीदने का धंधा हो रहा है? अरे मैडम बहुत ही सही प्लॉट आया ऋषिपुरम में, आप कहें तो मैं दिखा दूं. जितना पूछा जाए उतनी बात कर, ज्यादा जो है यहाँ ओवर स्मार्ट होने की जरूरत तो है ना. भाई तैने इस खड़े बाल वाले गुड्डू और इसके बैठे जो है फादर से जो है मूली के खेत खरीदे? जी हाँ खरीदे थे मैडम, गलत फहमी में. तो बेटा जो तैने वो खेत खरीदे है ना, उसके जो तैने पैसे दिए वो नकली नोट्स है. इब मन ने बिना गलत फहमी के ये भी बता दो कि वो नकली नोट आपके पास आए कहाँ से है जी? हमने जाने कितने सौदे कर लेते हैं जमीनों के एक दिन में, कौन सा नोट कहाँ से आया ये हमें कैसे मालूम? मैडम वैसे इस बात का क्या सबूत है कि जो नोट हमने खेत के बदले दिए थे वो नकली थे? अरे तो इस बात का भी क्या सबूत है कि दहेज में जो हमने नोट दिए हैं वो नकली हैं साले को? तो फिर इस बात का क्या सबूत है कि जो नोट हमने मुकुंद फूफा को शादी में शगुन के रूप में दिए थे वो नकली थे? कसम नहीं नहीं शादी की. अच्छा अच्छा, तो इस बात का भी क्या सबूत है कि जो पैसे हमने दुकानदार को दिए थे वो हमारे ही थे? भाई जब सबके सब इतने ही घने हो, सन 11 हो रखे हो, तो निकलो यहाँ से, शाम को 5:30 बजे आ जाना. ओके हाँ ठीक है, चलो लंच करेंगे, आ जाओ भूल गई बहुत तेज. हाँ चलो हाँ चलो खुलवा. हाँ अभी बुलवा खुलवा. हाँ अभी बुलवाता हूँ, चल ऐसे करो ना फिर से. हाँ चलता हूँ, चल ऐसे करो ना. हाँ करता हूँ. ए जी हमारी तो भी करी ना किसी को.
गले में एक प्लाकार्ड लटका ले, उस पे जो है लिख के जो है कन्वर्सेशन कर ले तू, ना खुल के ना बोल सकती, क्रेश कोर्स ले ले मारे से दो दिन का, चल निकल यहाँ से। गोद में हमारी, गोद में बैठ ले। मन्ने लगा आ रही बैठने। अच्छा एनी बे भाई, तू तो यूजलेस हो रहा है, ना कोई काम ना आता तेने, एडिया भी ना रहे, सारे काम का बोझ जो है हमारे कंधों पे है, ना किस बात की सैलरी ले रहे हो गवर्नमेंट से। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटर चटोरा कटर कटोरा आइडिया आ रहा है। अबे तो थारे हाथ में कटोरा देके सिग्नल पे खड़ा कर दूंगी, फिर देगा आइडिया। मैडम कोने में तो आइए। तुम्हारी शादी में आई हुई मिठाइयों पर से जो है ना मक्खियां उड़ाएगा तू। ऑफ कोर्स मैडम, मक्खी। I'm the king. क्या था ये सब? This man is beyond me, beyond my understanding. मतलब? थोड़ा पगला गए। अच्छा अच्छा। आइए आइए। अरे 5 बजे बुलाया था साले को, कोई दिखाई नहीं दे रहा साले को अभी। हाँ। अरे पुत्तन, सच सच बताना, जो नोट तुमने हमें दिए थे वो डुप्लीकेट थे ना, यानी कि नकली थे ना? गुड्डू सच सच बताना, जो नोट तुमने मुझे दहेज में दिए थे वो नकली थे ना? कसम नई नई शादी की। अरे क्यों जम्मन मियाँ, जो मूली के खेत के बदले तुमने नोट दिए थे हमारे बौड़म बाप को, वो नकली थे ना साले को? चुप रहो गुड्डू, शर्म नहीं आती सबके सामने अपने बाप को बौड़म कहते हुए? आ नहीं तो। अरे बहुत देर हो गई मैडम, दिखाई नहीं रही, कहाँ है मैडम? मैडम से मिलना नहीं है इजी, क्योंकि मैडम इस वक्त बहुत बिजी। ओके बाय। हाँ अरे नहीं नहीं यार, दिन में नहीं आना, मम्मी जी नकली नोटों के बदले असली नोट रात को देती हैं 2 बजे। हाँ हाँ यहीं चौकी में। और सुनो यार, तुम ना ऐसे फोन मत किया करो, अगर लोगों को पता चल गया ना मम्मी जी नकली नोटों का रिकॉर्ड चलाती हैं, यहाँ तो लाइन लग जाएगी। हाँ हाँ मम्मी जी ज्यादा नोट देती हैं, 10 लाख के नकली नोट ले आना, 5 लाख के असली ले जाना। यार बोल रहा हूँ ना रात को 2 बजे, हाँ यहीं चौकी में, ठीक है? ओके टेक केयर, बाय। गोद में बैठ ले, गोद में आ जा मारी। सॉरी मैडम, वो आएगा आएगा, वो आएगा, गारंटी देता हूँ जरूर आएगा। ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है तू है ना? वो तो मन ने भी बेरा है आएगा, पर उनमें से कौन होगा उन 5 में से? फूफा जी, ओहो, हाँ हम। अरे मैडम हमें क्या पता था कि जिस तालाब में हम गोते लगा रहे हैं आप भी उसी तालाब की मछली हो। हाँ मैडम, ये नकली नोटों का धंधा हमारा ही है। हाँ आज एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि कुछ नकली नोट हमारी जेब में रह गए थे, हम शॉपिंग के लिए चले गए और उस दुकानदार ने हमें पकड़वा दिया। लेकिन देखा मैडम, हमने सारा इल्जाम हमारे ससुराल वालों पे डाल दिया। सही बात है ना, वैसे जब हमने उस पुत्तन से 1 लाख रुपए जब लिए थे जो उसने दहेज के पैसों में से दिए थे,
तो जब वो असली निकले ना, ना हमें तब शक हो गया था कि ये जो मामला है ना, ये कुछ और ही है। सुने मैडम, आप नकली नोट का भाव 50% दे रही हो? हाँ तेने सही सुना है, तू यो बोल तू कितने लाया है? पूरे 10 लाख रुपए और परसों और 20 लाख के नकली नोट लेके आऊंगा। ये देखिए मैडम। ओहो, तो भाई नकली नोट आ गए हैं, वेरी गुड। एंड इन दैट केस मेरे भाई, यू आर अंडर अरेस्ट। ये क्या कर रही है मैडम आप? यो है हमारा चक्रव्यूह ना, जिसमें तू फंस गया है। नहीं मैडम, नहीं प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर हमें गोली लग जाएगी तो फिर मैडम। आप हमें तब अरेस्ट करेंगी जब आप जिंदा रहोगी ना। मरने के लिए तैयार हो जाइए मैडम। मुकुंद मिश्रा को मारना इतना आसान नहीं है। चलिए मरने के लिए तैयार हो जाइए मुकुंद मिश्रा। एक, दो, खबरदार, चंद्रमुखी जी पे गोली चलाने से पहले तुझे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। ठीक है तो गुजर जाते हैं। छूट नहीं, ये ले। अबे गुलगुले, बंदूक में गोली क्यों ना है? वो मैडम, वो दिन में आपकी बंदूक में साफ कर रहा था, उसमें मैं गोली डालना भूल गया। ये पापा, लेकिन हमारा तो फायदा ही हुआ ना मैडम। यो, लेके जा साले ने। चलो, एक से एक भरे पड़े इस थाने में। वैसे भले ही आपकी ये जो रिवॉल्वर है ये लोडेड नहीं है, लेकिन ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि अपनी जान पे खेल के मैं आपको बचाने के लिए बीच में कूद गया। हाँ, अब तो आप मुझसे इंप्रेस है कि नहीं? घनी घनी इंप्रेस हो गई हूँ मैं। थैंक यू आपकी बेवकूफी से। क्यों? पूरा जो आपने फिल्मी सीन कर दिया, बीच में आ गए। यो जो रिवॉल्वर है क्यों लटका रखी है? सूट ना कर सकते थे उसे? लुच्चू।